बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिद्दां कि तुसी देख रहे हो साडे चैनल दा नाम आओ मदद करें ते असी अज करा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की अफतारी। अफतारी जिहड़े छोटे बच्चे उन्होंने रोज़ा तो नहीं रखा होया, कुछ घरां दे विच दवांगे रोज़ा अफतारी वास्ते। दो देगां बनवाइया ने, देगां जिन्होंने बनवाइया ने जिहड़ा अफतारी करवा रहे ने वो साडी प्यारी सिस्टर आ जर्मनी तो, उन्होंने दो देगां बनवाइया वा, एक नमकीन की एक जी मिठे की है। उन्होंने तरफों जरा ना रोज़ा अफतारी करवा रहे हैं। कुछ बच्चों घर बैठा के खिला देंगे, कुछ जे रोज़े अफतार रोज़ेदार ने उन्होंने घर घर जरा ना जाके दे आवेंगे। तो तुम साढ़े ना रहे हो तो देखियो कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह खुश होकर चावल खाते हैं। अल्लाह ताला उन्होंने अफतारी करवाएगी कबूल करे। बहुत ही प्यारी सिस्टर ने, अल्लाह पाक उन्होंने हमेशा खुश रखे। माशाला बहुत ही हसमुख ने, मेरी फेवरेट सिस्टर ने। अल्लाह पाक उन्होंने हमेशा सलामत रखे, उन्होंने बच्चों अच्छी सेहत लंबी जिंदगी देवे। माशाला बहुत अच्छे ने, उन्होंने इंतजाम करवाया। वो कह रहे थे कि जो छोटे छोटे गरीब बच्चे ने उन्होंने वास्ते तुसी खाने का इंतजाम करके उन्होंने खाना खिलाओ, तो कुछ जो लोग ने आस पास मुहल्ले दे विच जो मुस्तहक ने उन्होंने तुसी रोज़ा अफतार करवा दो। जजाक अल्लाह सिस्टर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिग फिर वारहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसीर। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह पाक जो कोरोना फैला हुआ है इसको ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम कर दे। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियां दूर कर दे, हमें बीमारियों से निजात दे। या अल्लाह पाक हर रोज़ेदार का रोज़ा कबूल कर। या अल्लाह बख्शिश का महीना है, अपनी रहमत के सदक़े हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह बेशक हम गुनाहगार हैं, तेरी रहमत की उम्मीदवार हैं। मेरे मालिक हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे रोज़े रखे कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी ये छोटी सी अफतारी करवाई गई ये भी कबूल फरमा। अल्लाह पाक हम जो ये कोशिशें कर रहे हैं इन सब को कबूल फरमा। अल्लाह पाक जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, हमारी इस छोटी सी कोशिश में हमारे साथ तावन कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनका तावन कबूल फरमा। अल्लाह पाक हमें मज़ीद हिम्मत दे कि हम इस तरह के जो छोटे छोटे मुस्तहिक बच्चे हैं हम उनके साथ उनको खाना खिला सकें। अल्लाह पाक जो मुस्तहिक अफराद हैं हम उनकी मदद कर सकें। बेशक मेरे अल्लाह मदद करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। आमीन सुम्मा आमीन। सीगे एक साड़ी आंटी है नारवे तो, माशाल्लाह ठीक ठाक सीगे, वो साढ़े इस काम दे विच साडा साथ देना चाहते सीगे ते उन्होंने अचानक फालज हो गया। अल्लाह पाक उन्होंने अच्छी सेहत देवे। मैं देखने वाले भैन भरावां नूं गुजारिश करदी हाँ कि सारे जने उहदे वास्ते दुआ करो, अल्लाह पाक उन्होंने अच्छी सेहत देवे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। आप जिस तरह तुम देख रहे हो कि छोटे छोटे जो बच्चे आ चावल लैन वास्ते आए हुए हैं, छोटी जी बेटी आ चावल लैन आई है। चलो बेटा जाओ शाबाश।
ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਖੁਦ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਖੁੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ ਆ ਜਿਹਨਾਂ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੂਰੇ ਆ ਗਏ, ਹਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو نیکی سمجھ کر سبسکرائب کریں۔ ہمارے جتنے زیادہ سبسکرائب یا ویوز ہوں گے اتنے زیادہ غریب گھروں کی مدد ہوگی۔ جزاک اللہ۔